बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे बीटामिल जीएम क्रीम। साथियों, बीटामिल जीएम क्रीम हमारे पास 25 ग्राम का क्रीम है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल क्रीम। साथियों, इसके बारे में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे बीटामिल जीएम क्रीम है क्या, साथ ही साथ यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की, इंट्रेक्शन एंड हाउ टू यूज बीटामिल जीएम क्रीम एंड हाउ टू वर्क बीटामिल जीएम क्रीम, कैसे वर्क करती है बॉडी के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। बीटामिल जीएम क्रीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दैट इज यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन। साथियों, ये तीन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। साथियों, जैसा कि इसमें लिखा है, बीटामेथासोन डाई प्रोपियोनेट जेंटामाइसिन एंड माइकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम। साथियों, ये स्किन में किसी तरह का विकार है, टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन, उसके उपयोग के लिए जो है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस जो है क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मिनिमाइज सिस्टम ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज रेडनेस, जैसे स्किन पे कहीं रेडनेस है, स्वेलिंग है एंड इचिंग है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। इट आल्सो हैज एंटी माइक्रोबियल एक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन काजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन स्किन में हो जाता है तो उसको इनहेबिट एंड किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर देता है, तो इसीलिए एंटी माइक्रोबियल क्रीम भी है। साथियों, अब इसके यूजेस की बात करेंगे, तो स्किन इन्फेक्शन में किसी तरह का स्किन में विकार है उसमें उपयोग किया जाता है, किसी तरह की एलर्जी है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन स्किन में है, सूजन आ गई है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सोराइसिस के जो मरीज होते हैं उसमें जो है उपयोग किया जाता है स्किन के लिए। एक्जिमा हो जाता है, खुजली हो जाता है, दाद हो जाता है, उसमें भी डॉक्टर अपने हिसाब से इसको रिकमेंड करते हैं। एंड सिबेरिक डर्मेटाइटिस स्किन की एक बीमारी है, मतलब उसमें एक्जिमा है, खुजली है, किसी तरह का विकार है। एंड डर्मेटाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है स्किन में, उसके लिए उपयोग की जाती है। एंड फंगल इन्फेक्शन, फंगल की ग्रोथ रोकने में बहुत हेल्पफुल है, फंगल का इन्फेक्शन अगर हो गया, या कैंडिडा इन्फेक्शन है उसमें भी उपयोग किया जाता है। एंड सेलुलाइटिस हो जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत से इसके यूजेस हिडन है, जो इसमें मतलब डॉक्टर अपने विवेक से इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। साथियों, इसको लगाने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्किन का कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, कुछ मरीजों पे कभी कभी स्किन के रैशेस हो जाते हैं, और इचिंग होने लगती है, और स्किन इरिटेशन होती है, स्किन पैडलिंग, कभी कभी स्किन छिल जाती है, और कभी स्किन थिन हो जाती है, तो इस तरह से इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। अगर कोई सीवियर साइड इफेक्ट दिखता है तो आप उसका तुरंत ही सेवन बंद कर दें, इसका उपयोग बंद कर दें। साथियों, इंट्रेक्शन की बात करेंगे। इंट्रेक्शन विद एल्कोहल, जो भी रोगी एल्कोहल पीते हैं उसके बाद इसको सेवन ना करें, उपयोग ना करें, एक्सटर्नल यूज ना करें। साथ ही साथ बहुत सी मेडिसिन के साथ इसका इंट्रेक्शन है, जैसे रिफैम्पिसिन है, क्लोट्राइमाजोल है, एंड डिजीज लाइक है, जैसे किसी को हो जाता है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, उन रोगियों को नहीं उपयोग करना है, उन रोगियों को नहीं लगाना है। डिहाइड्रेशन है, अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया तो उनको नहीं लगाना है। ट्यूबरकुलोसिस है, एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बॉडी में, तो उनको ये जो है इसका उपयोग नहीं करना है। इंट्रेक्शन साथियों ये है कि साथियों, कभी भी अगर कोई डॉक्टर को आप दिखाते हैं और पहले से कोई बीमारी या कोई दवा का सेवन करते हैं तो डॉक्टर को तुरंत बताएं, ताकि वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको दवाई को लिखे। साथियों, हाउ टू यूज, साथियों सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, दिस इज एक्सटर्नल यूज ओनली, स्किन पे उपयोग करने वाली ये दवा है, घाव पे नहीं लगाया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि जब भी आप परचेज करें इस पे जो है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन जरूर पढ़ें, तो इसका जो है कैसे यूज करना है उसमें समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसका वर्क कैसे, हाउ टू वर्क, बॉडी के अंदर जो है वर्क कैसे करती है उसके बारे में साथियों हम बताएंगे। तो साथियों, बीटामिल जीएम क्रीम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, थ्री मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बीटामेथासोन मिला होता है, जेंटामाइसिन होता है, माइकोनाजोल होता है। तो साथियों, बीटामेथासोन इज ए स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड होता है विच ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, और जिससे एलर्जी उत्पन्न होती है, जिससे एलर्जी जो है प्रोड्यूस होती है उसको जो है क्या करता है, जाके ब्लॉक कर देता है, और उससे क्या होता है कि केमिकल मैसेंजर्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं, और उससे जो है क्या होता है कि मतलब एलर्जी नहीं लगती है। साथ ही साथ जेंटामाइसिन का उपयोग यह है कि जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया किसी तरह से बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है स्किन में,
तो उसको जाके ग्रोथ को रोक देता है, इनहेबिट कर देता है, किल कर देता है। और माइकोनाजोल है, माइकोनाजोल क्या है साथियों, इसमें एंटी फंगल मिला है। इनकेस अगर कोई एंटी फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी क्या होता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगी ऑन द स्किन, और उसको जो है ग्रोथ को रोक देता है, और उससे क्या होता है फंगाई मर जाता है, फंगी मर जाता है और किल हो जाता है, तो उससे जो है उसके विकार की ग्रोथ रुक जाती है। तो साथियों ये जो है, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, PNG जिसको कहते हैं, उसका ये प्रोडक्ट है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और साथियों ये 25 ग्राम का क्रीम है, और ये साथियों जो है शेड्यूल H की दवा है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। साथ ही साथ ये जो है 29 रुपीज़ 94 पैसे का जो है ये क्रीम है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।